नमस्कार दोस्तों, मैं राजेन मंडलोई आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो क्लास टेंथ का अभी जो प्री बोर्ड पेपर होने वाला है या फिर ये मार्च के फर्स्ट वीक में हमारी फाइनल एग्जाम है, तो उसकी हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट के रूप में फिल इन द ब्लैंक्स, डूएस डायरेक्टेड, ग्रामर पोर्शन सारे को हम कवर कर रहे हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कोई डिमांड हो कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल में आपको इसको शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। 10th-class की वर्कबुक को भी हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया है, लगभग उसके भी 10 से 12 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं, उसको भी आप देखिएगा। और क्वेश्चन आंसर भी मैंने उसमें लगाए हुए हैं और ये भी बताया है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसी आशा के साथ कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और बहुत अच्छे से दिल लगाकर, मन लगाकर आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई डोंट नो रिक्त स्थान ही हैज गॉन, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया। अब ध्यान देना कहाँ का अर्थ निकल रहा है, तो व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, हु मतलब कौन, तो यहाँ पर क्या आएगा, वेयर आएगा, ठीक है। 2014 में सप्लीमेंट्री के पेपर में आया था, क्लास टेंथ में। अगला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट सेड, रिक्त स्थान है, सर आई ड्रिंक सम वाटर। स्टूडेंट ने कहा क्या, सर क्या मैं पानी पी सकता हूं, तो अनुमति ले रहा है, वो परमिशन ले रहा है, तो उसमें हम मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये भी 2014 में आया था। अगला है, रिक्त स्थान है, यू लाइक टू रीड स्टोरी बुक, है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, दिया गया सेंटेंस से इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव में आगे हेल्पिंग वर्ब आती है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू, मतलब डज आएगा, डू आएगा या इज आएगा, तो इसमें आएगा डू। डू क्यों आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट आई वी दे यू हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, डू आएगा। नेक्स्ट है, कॉपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, रिक्त स्थान द स्टूडेंट्स, छात्रों में कॉपी को बांट दीजिए, ये कॉपी को बांटना है, तो अमंग, बिटवीन और विथ। अमंग का प्रयोग कब होता है, जब संख्या दो से अधिक हो, और बिटवीन का प्रयोग कब होता है, जब संख्या दो हो, मतलब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच की बात हो, तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और दो से अधिक की बात हो तो अमंग का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, तो इसमें क्या प्रयोग होगा, अमंग का प्रयोग होगा, ठीक है, विथ का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है, व्हेन वी रीच्ड द सिनेमा हॉल, जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे, मतलब थिएटर में मूवी देखने के लिए पहुंचे, द फिल्म हैड रिक्त स्थान। ध्यान देना, हर सेंटेंस को हमें समझने का प्रयास करना है तथा उसमें कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड ढूंढना है जिससे हमें पता लगे कि इसमें क्या लगेगा। अब देखिए, इसमें कीवर्ड क्या आ रहा है, रीच्ड है, आर ई ए सी एच, रीच का अर्थ होता है पहुंचना, और उसमें ईडी लगा दिया है, तो ये रीच्ड मतलब पहुंचे, पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन, बी ई जी ए एन, ठीक है। अगला है, मालिनी फेल्ट टायर्ड, मालिनी थकी हुई है, सी रिक्त स्थान इन पॉन्ड सिंस मॉर्निंग, वह तालाब में सुबह से तैर रही थी, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है इसको हम देखें, तो फील मतलब महसूस करना, फेल्ट मतलब महसूस किया, ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट टेंस है, और पास्ट है तो इधर भी पास्ट आएगा, तो ये स्विम की सेकंड फॉर्म होगी, स्वयं, एस डब्ल्यू ए एम, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, द न्यूज ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, शुरुआत में रिक्त स्थान है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था कि शुरुआत में यदि कोई रिक्त स्थान दिया गया है और ऑप्शन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो, तो आपको वही लगा देना है, ठीक है, बिना कुछ विचार किए, बिना, विदाउट एनी डाउट, आपको क्या लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर दिया गया है तो, यदि शुरुआत में रिक्त स्थान है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अगला है, दिस इज वेरी लाइट बॉक्स, यह बॉक्स काफी हल्का है, यू रिक्त स्थान लिफ्टेड, तुम इसको उठा सकते हो,
ठीक है, तो जब ताकत की बात हो, स्ट्रेंथ की बात हो, एबिलिटी की बात हो, अब बॉक्स को उठाना है तो ताकत ही लगेगी उसमें, तो क्या लगेगा? कैन का प्रयोग होता है, हमेशा कैन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, आई यूज्ड टू रिक्त स्थान इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग, मैं जब युवा था तब मैं नदी में तैरता था, ठीक है, तैरता था। यूज्ड टू का प्रयोग होता है पास्ट में जो आदत थी उस आदत को बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है, और यूज्ड टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तो क्या आएगा? स्विम आएगा। एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं कि टू के बाद में यदि रिक्त स्थान दिया गया है और ऑप्शन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमेशा आपको वही लगाना है विदाउट एनी कंसिडरेशन, कोई विचार किए बिना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ही इज रिक्त स्थान ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है, तो यहां पर ए एन और द का प्रयोग करना है, तो ध्यान देना यहां पर यह शब्द दिया गया है ऑनेस्ट, इसको हम पढ़ेंगे ओ नेस्ट, ठीक है। तो जब किसी शब्द के उच्चारण की शुरुआत हो किससे हो, हिंदी वर्णमाला के स्वर से, तो हम उसमें एन का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल का मैंने वीडियो पिछले वीडियोस में कवर किया है, यदि आपको आर्टिकल पढ़ना है तो आप पिछले वीडियोस को देखिएगा, उसमें मैंने इसको कवर किया है। वैसे तो सभी वीडियोस में हमने कवर किए हैं, सभी ग्रामर पोर्शन को कवर किए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, यू हैव टू रिक्त स्थान, यू हैव टू वेट रिक्त स्थान, द सिग्नल इज ग्रीन, तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक कि सिग्नल ग्रीन नहीं होता है, हरा नहीं होता है, तो अनटिल मतलब जब तक, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, व्हाइल मतलब भी के दौरान, तो जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं होता है तुम्हें इंतजार करना होगा, तो यहाँ अनटिल का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूट द मनी रिक्त स्थान राम एंड मोहन, पैसों को राम और मोहन में बांट दो, तो राम और मोहन कितने हो गए? दो हो गए, तो जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की बात हो तो हम वहां पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं, दोनों का अर्थ होता है बीच में, अमंग मतलब भी बीच में और बिटवीन मतलब भी बीच में। नेक्स्ट है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर द बस रिक्त स्थान मॉर्निंग, वह सुबह से बस का इंतजार कर रहा है, तो सुबह यहां पर क्या हो गया है? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया है, ठीक है। जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है तो हम उसमें सिंस का प्रयोग करते हैं। अभी एक वीडियो में सिंस और फॉर पर बनाऊंगा, जिससे कि आपका थोड़ा बहुत यदि डाउट है तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम बनाएंगे, है ना, जल्दी ही। नेक्स्ट है, मोहन मेट हिज फ्रेंड, मोहन अपने मित्र से मिला, ये मीट की सेकंड फॉर्म है। रिक्त स्थान ही वाज ऑन हॉलीडे, ठीक है, जब वह उसके हॉलीडे पर था मतलब हॉलीडे के दौरान, तो ये क्या है? एक पीरियड है, उसकी छुट्टियां थी, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ड्यूरिंग आएगा। ड्यूरिंग और व्हाइल का भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, और जो मेरे कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट जो हमारे वीडियोस को कवर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं कि मैं जो संविदा शिक्षक वर्ग 3, प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के लिए जो वीडियो डाल रहा हूँ उनको भी आप देखिए, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। उसी वीडियो उन्हीं वीडियोस में मैंने ये ड्यूरिंग और व्हाइल का प्रयोग बताया है ना। लगभग सारी हमारी जो ग्रामर है वो कक्षा 9वीं से 12वीं तक की वही ग्रामर है जो उनमें भी है, ठीक है, तो उनको भी आप देखिएगा, बहुत यूजफुल है आपके लिए। अगला है, द सन सेट्स रिक्त स्थान वेस्ट, वेस्ट मतलब एक दिशा है, डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसके पहले हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है, शुरुआत में रिक्त स्थान है, यू टेक ए टैक्सी यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, यदि तुम टैक्सी नहीं पकड़ते तो तुम ट्रेन को नहीं पकड़ सकते थे, तो अब यहां पर क्या होगा? अनलेस का प्रयोग होगा। अच्छा आप बताइए कि इफ का प्रयोग क्यों नहीं है? इफ का प्रयोग यदि यहां होता तो यहां पहले से डू नॉट, डिड नॉट या डज नॉट रहता, तो हम इफ लगा देते हैं। नेक्स्ट है, राम इज द रिक्त स्थान बॉय इन द क्लास, टॉल टॉलर और टॉलेस्ट, ये एडजेक्टिव है ना, इनमें से किसी एक का प्रयोग करना है, तो ध्यान देना यहां पर क्या दिया गया है? द दिया गया है, और ये सुपरलेटिव में होता है, तो सुपरलेटिव क्या है? ये है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कॉम्परेटिव डिग्री है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है, यह क्या आएगा? टॉलेस्ट आएगा, ठीक है। ये डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, जैसे पॉजिटिव डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, इनका भी मैंने एक वीडियो कवर किया हुआ है, तो उसको भी आप देखिएगा, है ना, हमारे पिछले वीडियोस को आप चेक कीजिएगा। अगला है, आई रिक्त स्थान ए टाइगर येस्टरडे, कल मैंने एक टाइगर देखा, तो कल
यस्टरडे मतलब पास्ट, पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तीनों फॉर्म होती है सी सा सीन, तो यहाँ क्या आएगा सा आएगा, ठीक है। अगला है इट इज 5 o'clock, रिक्त स्थान माई वॉच, मेरी घड़ी में 5 बजे हैं, तो क्या आएगा बाय माई वॉच। अगला है वे रिक्त स्थान टू ओबे द रूल्स ऑफ रोड, हमें रोड के या सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, जरूरी है, तो इसमें हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट का अर्थ भी चाहिए और शुड का अर्थ भी चाहिए, लेकिन जब कोई चीज ज्यादा जरूरी है तो उस समय हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये लगभग हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पर हल किए हैं क्लास 10th के प्रैक्टिस सेट के रूप में, है ना। तो कक्षा 9वीं में भी ऐसे ही आते हैं, कक्षा 11वीं में भी ऐसे ही आते हैं और 12वीं में भी ऐसे ही आते हैं। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट्स करके बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।